नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लवीश। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन किरण जॉब चैनल। आपको पता है सबसे बड़ी खबर मैं जबलपुर हाईकोर्ट से लेकर आया हूं। इस टाइम की देर रात की सबसे बड़ी खबर है जो आप लोगों को चौंकाने वाली है। आपको पता होगा कि अभी कुछ दो दिन पहले यानी कि कल के दिन ही यानी कि 8 अप्रैल को जस्टिस सुधांशु दुलिया जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस के द्वारा जजमेंट को बेंच के अंदर ही लिखवा दिया गया था, जो कोड नंबर 5 में था। उसमें साफ कहा गया था कि 11 अगस्त 2023 से फैसला लागू है और उसके बाद जो भी और जिसमें प्रोस्पेक्टिव से लागू है और जहाँ भी भर्ती कोर्ट के अधीन हैं वहाँ रेस्पेक्टिव से लागू है, यानी कि वहाँ ये 11 अगस्त 2023 का फैसला लागू नहीं होगा, यानी रेस्पेक्टिव रहेगा, क्योंकि जहाँ भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है वहाँ मैटर हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे उस स्टेट के। साफ साफ कहा गया था जिसमें मौखिक रूप से कहा गया था, जजमेंट लिखाया भी गया। हालांकि अभी जजमेंट आपकी साइट पर नहीं आया है, पर लेकिन बात यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर सुनोगे तो वहाँ पर साफ साफ एक एक पॉइंट को अच्छे से सुनना। वहाँ साफ कहा गया है कि जो भी भर्ती कोर्ट के अधीन है, लॉ के अधीन है, चाहे वो भर्ती बीएड चयनितधारी हों और वहाँ पर चयन हो चुका हो बीएड का, पर लेकिन वो वहाँ के स्टेट का कोर्ट ही डिसाइड करेगा। पर लेकिन बात आ रही जबलपुर हाईकोर्ट से, वहाँ 15 अप्रैल को सुनवाई होने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में वहाँ पर स्टेट द्वारा बीएड चयनितधारियों को बाहर कर दिया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ बाहर हो गए हैं तो उनकी अब लिस्ट आने वाली है, सभी बाहर होंगे। बचा बस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जबलपुर हाईकोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और उसमें बीएड चयनितधारी और डीएड की तरफ से दोनों तरफ से बढ़िया आर्गूमेंट करने की पूरी संभावना थी। लेकिन देर रात को बड़ी खबर चौंकाने वाले आने वाली आई है, जिसमें 15 अप्रैल की जगह आप स्क्रीन पर देख सकते हो 13768/2022 वाला केस है, रिट पिटीशन, जिसमें 10 अप्रैल 2024 को यानी कल के दिन, बिल्कुल साथियों कल के दिन केस को लिस्टेड किया गया है। अचानक से सभी इससे चौंक गए हैं, चाहे डीएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, दोनों ही पक्ष इसमें डेट को देख कर चौंक गए। आखिरकार अचानक डेट कैसे लगी है, इसका कोई रीजन किसी को नहीं पता। सभी अपने आंकलन लगाए जा रहे हैं कि डीएड की तरफ से लाई गई है, कि कोई कह रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई कह रहा है बीएड की तरफ से लाई गई है, तो साथियों कुछ नहीं पता। हालांकि अब जो भी है 10 अप्रैल को डेट लग चुकी है, ऑनरेबल श्री जस्टिस सील नागू जी और जस्टिस अमरनाथ, क्योंकि दूसरे जो आपके जस्टिस हैं वो अमरनाथ जी हैं और सीरियल नंबर आपका है 98। इसमें आईए को अलाउड किया गया था पहले, आपको पता आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कंप्यूटर जनरेटेड और लिस्टेड ऑन दोनों जो आपकी डेट है 10 अप्रैल 2024 को, सीरियल नंबर 58। तो देखना होगा कि कल क्या आखिर निकल के सामने आता है और क्या जजमेंट आता है। हालांकि वो मेरा ओपिनियन कहता है कि आर्गुमेंट दोनों तरफ से 2-3 दिन के लिए हो सकते हैं, क्योंकि पूरी आर्गुमेंट होने के बाद ही निष्कर्ष सामने आएगा। पर लेकिन अचानक डेट का लगना क्यों हुआ, ये सब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये कोर्ट अपनी मर्जी से होता है। और अब तो देखना बस यही रह गया है कि कल आखिरकार क्या होगा। तो जो भी खबरें आपको चाहिए तो चैनल पर बने रहिएगा, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके रखना। जो भी खबरें आएगी कल की मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, कोई भी पॉइंट हो तो उसको भी मैं बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से बताऊंगा। तो चैनल को बने रहिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिए सबसे अधिक ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करके रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।